और एक जानकारी मैं दर्शकों को जरा पहले देना चाहता हूं, जो गाजीपुर वाली घटना है इसमें जाहिद का जो परिवार है एनकाउंटर से वो बिल्कुल अनजान था, ऐसा दावा किया गया है इस परिवार की तरफ से। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए जाहिद के पिता ने ये बात कही है, एनकाउंटर की जानकारी उन्हें नहीं थी। जाहिद के पिता ने कहा कि जाहिद से 10 साल से बातचीत नहीं थी। कल पुलिस भी आई थी आपके यहाँ? हाँ, नहीं हुआ। कल पुलिस आई तो क्या बोली? बोले कि कोई पुलिस ने बोले, हम लोग सुने नहीं, हम तो सोए हुए थे। मेरे वाली साहब बोलिन था, पुलिस वाले बोलिन कि उसको काउंटर करिए, कहाँ है। अपने बेटे से कब आखिरी बार बात हुई थी? बात नहीं, हम लोग नहीं करते उससे कभी बात नहीं, 10 साल से उससे बात नहीं करते। शशांक के पास अब मैं आपको ले चलता हूं, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं शशांक। शशांक, ये जाहिद के पिता का बयान हमने दर्शकों को सुनवाया, वो कह रहे हैं कि 10 सालों से इसे हमारा कोई संपर्क नहीं था, मतलब क्या परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, ये जरायम की दुनिया में बहुत पहले से था? देखिए, उनके पिता तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर की भी जानकारी मुझे नहीं है, 10 सालों से वो हमारे संपर्क में नहीं था, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, पुलिस आई थी, कुछ पूछताछ करके चली गई, क्या कुछ हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको कोई चीज़ पता नहीं है, उनका तर्क हो सकता है। लेकिन फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, 1 लाख का उस पर इनाम था और लंबे समय से वो जो है यहाँ से फरार चल रहा था और एक के बाद एक ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा था। तो कल एनकाउंटर उसका हुआ है, लेकिन परिजन जो है ये शो कर रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।